हिप्पाकाइन 150 mg टेबलेट कहाँ पर काम में ली जाती है, कितने दिन तक काम में ली जाती है, कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या आदत पड़ती है या नहीं पड़ती, सावधानी क्या है, इसकी डोज क्या है, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हिप्पाकाइन 150 mg टेबलेट मैनकाइंड कंपनी का प्रोडक्ट है। 150 mg में जो आता है वो है अर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड। अब ये अर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड क्या होता है, कब दिया जाता है, किस तरीके से काम करता है, संपूर्ण रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड का सेकेंड नेम होता है बाइल एसिड। कई बार इसे बाइल एसिड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बाइल एसिड क्या होता है, ये बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन कई बार कुछ पेशेंट में इसकी कमी हो जाती है, प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, बॉडी प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। इसके लिए डॉक्टर इसे टेबलेट फॉर्म में जैसे कि हेपाकाइंड देते हैं, या यूडीलिव लुपिन कंपनी अबट कंपनी आती है सॉरी वो देते हैं, एक और आती है सन फार्मा की अर्सोकोल 150 mg, वो भी देते हैं। दोस्तों, अगर आपके मार्केट में नहीं मिले ये तीनों ही, तो आप अर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड नाम से इस होल्ड से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का। ये भी दोस्तों एक नेचुरली होता है, टेबलेट फॉर्म में बनाया जाता है, ये भालू के पेट से लिया जाता है और कुछ और जानवर से पेट से भी ये ले सकते हैं। इसको फिर लेब में सिंथेटिक करके टेबलेट फॉर्म में कोटिंग करके मार्केट में लाया जाता है। नेचुरली ये भी नेचुरली होता है टेबलेट फॉर्म में। अभी क्यों दिया जाता है बात करेंगे। देखिए, अर्सो डी ऑक्सीकोलिक एसिड होता है ये क्या कि दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार दोस्तों कई पेशेंट में डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद भी देते हैं, या ऑपरेशन से पहले, या दोनों बारे में दे सकते हैं, पहले और बाद में। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा लिक्विड लेना पड़ता है ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद, तो उसे डाइजेशन सही बना रहे इसलिए ये डॉक्टर देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर फैटी एसिड हो जाता है, लीवर टोनिक रूम में भी काम करता है, लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, तो लीवर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, नॉर्मल उसकी वर्किंग को करने के लिए ये दिया जाता है। इसके साथ साथ कैलिस्ट्रॉल को कम करती करने के लिए भी दिया जाता है, और फैटी एसिड को डाइजेस्टिव करने के लिए भी ये डॉक्टर देते हैं, तो इसलिए ये काम में लिया जाता है। इसकी डोज की बात करें, 150 mg की एडल्ट पर्सन एक सुबह एक शाम ले सकता है, यानी 300 mg तक 24 घंटे के अंदर कंज्यूम कर सकता है। दोस्तों, ये सस्टेन रिलीज भी आती है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। बात करें इसकी क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, चेहरा लाल हो सकता है, थकान हो सकती है, आंखें लाल हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लूज मोशन लग सकती है, ये इसकी साइड इफेक्ट हो सकती है। इसकी सावधानी है, प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह के बिना यूज मत कीजिएगा या यूज ही मत कीजिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर लीवर के ऊपर सूजन है, स्वेलिंग है, उसको ठीक करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ नहीं किया जाता, डॉक्टर की सलाह के बिना इसका यूज़ नहीं किया जाता, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ये दवा यूज की जाती है। एल्कोहल के साथ कंज्यूम मत कीजिए, रिएक्शन हो सकता है। इसके साथ एंटासिड कैप्सूल नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखिए। संपूर्ण रिव्यू का था हेपाकाइन 150 mg के बारे में, और कौन सी मेडिसिन भी आपको वीडियो देखना है, इस मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिए। वीडियो पर उखड़ाने के लिए, वीडियो प्रोजेक्ट के लिए तहे दिल से आप लोगों का।